जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली यह है कोबरा कमांडो पर। बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं बार बार मेरे से यही बात बोल रहे हैं कि सर क्या आप कोबरा में हो, या क्या आप कोबरा कमांडो कैसे बनते हैं, या कोबरा कमांडो क्या क्या फैसिलिटी मिलते हैं, क्या क्या उसकी पूरी प्रोसेस होती है, उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कितने साल कोबरा में ड्यूटी कर सकते हैं, उसके बाद में किस प्रकार की ड्यूटी मिलती है कोबरा कमांडो, और कौन सी ड्यूटी कर सकता है, और उसकी पूरी की पूरी जॉब प्रोफाइल, उसकी सैलरी, इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये पूरा का पूरा वीडियो कोबरा कमांडो पर है। जितने भी दोस्तों का सीआरपीएफ में सिलेक्शन होने वाला है, या जो सीआरपीएफ की तैयारी करें, या जो कोबरा कमांडो बनने चाह रहे हैं, उन सभी के लिए मैं इसमें आपको पूरी की पूरी कोबरा कमांडो की टोटल जानकारी देने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप आने वाली वैकेंसियों की तैयारी करें तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों, उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि पुराने पेपरों की पीडीएफ या आने वाले नए क्वेश्चनों से संबंधित मैं पीडीएफ बना बना के आपको उसमें प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप उससे जरूर जुड़ जाइए ताकि नई वैकेंसियों की नोटिफिकेशन भी आपको उधर मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कोबरा कमांडो, सबसे पहले इसकी जो पहली शर्त होती है वो ये होती है कि आप सीआरपीएफ में होना ज़रूरी है, क्योंकि कोबरा कमांडो सिर्फ सीआरपीएफ के जवान ही बन सकते हैं, क्योंकि ये सीआरपीएफ की एक विशेष फोर्स है कोबरा कमांडो, जो नक्सलियों से लोहा, स्पेशली नक्सलियों से लोहा लेने के लिए इन्हें जंगल में कोबरा नाम इसको इसलिए दिया क्योंकि जंगल में कोबरा की तरह मतलब पूरा घात लगा के दुश्मनों का सामना करके दुश्मन के इलाके में जाके दुश्मन का खात्मा करने के लिए विशेष प्रकार से कोबरा बटालियन का गठन किया गया दोस्तों। तो ये सीआरपीएफ की विशेष बटालियन है जो नक्सलियों के खिलाफ काम करती है। अब इसके लिए जो पहली शर्त मैंने बता दी कि आपको सीआरपीएफ का जवान होना बहुत ज़रूरी है, आपका सीआरपीएफ में सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोबरा कमांडो बन सकते हो। इसके अलावा दूसरी शर्त है कि आपकी आयु 32 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप कोबरा कमांडो बन सकते हैं। आप कब बन सकते हैं कोबरा कमांडो और कैसे बनते हैं, इसकी पूरी प्रोसेस, सबसे पहले आप सीआरपीएफ में सिलेक्शन होने के बाद में ट्रेनिंग कंप्लीट करते हो, ट्रेनिंग के टाइम भी अगर आप चाहो तो टेस्ट दे सकते हो कोबरा कमांडो के लिए। इसके लिए एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है जिसमें 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, यही 24 मिनट का टाइमिंग होता है, 10 पुशअप होती है और 6 पुशअप होती है और 20 डिप्स होती है दोस्तों, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ये नॉर्मल सा टेस्ट होता है। उसके बाद में जो बच्चे उस टेस्ट में फाइट कर लेते हैं उन सभी का बाद में आप जिस सर्विस बटालियन में जाते हो वहाँ पर आप पोस्टिंग चले जाते हो, अगले 2 या 4 महीने के बाद में आपका लिस्ट से नाम आना शुरू हो जाता है कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग के लिए। कोबरा कमांडो की ट्रेनिंग टोटल 90 दिन की ट्रेनिंग होती है दोस्तों। पूरी ट्रेनिंग में आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे बच्चे इसकी ट्रेनिंग में फेल हो जाते हैं क्योंकि इसकी ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती है, लेकिन इसकी जो सबसे हार्ड ट्रेनिंग होती है उसको बोलते हैं हेल वीक। 7 दिन की इसकी लास्ट की जो ट्रेनिंग होती है उसको हेल वीक बोलते हैं, तो वो काफ़ी टफ होती है, उसमें आपको सोने नहीं दिया जाता या परेशान किया जाता है, मतलब काफ़ी टफ इसकी जो ट्रेनिंग का जो सबसे पार्ट टफ माना जाता है वो हेल वीक माना जाता है। इसके अलावा आप में इसमें रनिंग कराई जाती है या वेट लिफ्टिंग या आपके मतलब हर टाइम 5 से 6 किलो 7 kg का वेट के साथ में आपकी रनिंग होती है इसमें पूरी की पूरी, मतलब आपको पूरी कमांडो की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। स्पेशली ऑपरेशनों के बारे में बताया जाता है, मतलब बहुत ही तगड़ी इसकी ट्रेनिंग होती है 3 महीने की। हाँ, ट्रेनिंग में जो बच्चा अगर फेल हो जाता है उसको फिर वापस निकाल दिया जाता है और फिर उसका सिलेक्शन कोबरा में नहीं, तो आपको इसके लिए आपको 3 महीने की ट्रेनिंग पास करनी अनिवार्य है दोस्तों। अगर आप बीमार भी हो जाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है क्योंकि इसकी ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है, उसमें छुट्टियां भी नहीं होती, आपको 90 दिन कंटिन्यू ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है दोस्तों। हाँ, संडे की रेस्ट होती है, तो इसके 90 दिन की ट्रेनिंग में जो बच्चे पास होते हैं उनको फिर कोबरा कमांडो बनाया जाता है, मतलब वो एक बार फिर से अपनी सर्विस बटालियन में आ जाएंगे, फिर उनका नाम आएंगे और अपनी अपनी कोबरा बटालियंस में, यानी अभी प्रेजेंट टाइम में 10 कोबरा बटालियंस है सीआरपीएफ में, तो आने वाले समय में वो बढ़ जाएगी, तो उस बटालियंस में आप जा सकते हो। अब इसके लिए वेलफेयर क्या है इसकी अगर हम बात करें, सबसे पहले आपने कोबरा कमांडो की वर्दी देखी होगी, कोबरा कमांडो की इधर कोबरा कमांडो के बेस लगा रहता है, यही वर्दी है सेम, ये मतलब ये कलर है ये सेम है, इसमें थोड़ा सा डल कलर है, ये थोड़ा सा लाइट कलर है, उसका थोड़ा सा डल कलर है। यहाँ कोबरा का बेस मिल जाएगा आप सभी को, कमांडो लिखा हुआ, जंगल वॉरियर का टैग आपने देखा होगा, कॉम्बेट वर्दी के ऊपर जंगल वॉरियर का टैग आपने देखा होगा, सेम सीआरपीएफ की कैप लगती है, थोड़ा वर्दी का अलग होता है चेंज पैटर्न, वर्दी उनकी जो सीआरपीएफ की कॉम्बेट वर्दी होती है उससे अलग होती है। उसके अलावा अब इसमें सुविधाएं क्या क्या मिलती है, इसमें कितने साल सर्विस कर सकते हो दोस्तों, कम से कम आपको इसमें 5 साल की सर्विस देनी पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 साल कर सकते हो, मतलब 2 साल अपनी स्वेच्छा से और बढ़ा सकते हो। इसके फायदे क्या है, इसमें आप एक बार 5 साल या 7 साल सर्विस करने के बाद में एक अपनी चॉइस पोस्टिंग ले सकते हो। चॉइस पोस्टिंग का मतलब ये है कि आप उसमें 7 साल सर्विस करने के बाद में या 5 साल सर्विस करने के बाद में आप जैसे अगर आपने घर के नज़दीक अगर कोई सीआरपीएफ की बटालियन है या सीआरपीएफ का कोई कैंप है या सीआरपीएफ की कोई जीसी है या कोई ट्रेनिंग सेंटर है तो उसमें आप अपनी स्वेच्छा से पोस्टिंग करा सकते हो फील्ड में 5 साल मतलब कोबरा कमांडो में ड्यूटी करने के बाद में। आप अपनी स्वेच्छा से एप्लीकेशन लिखिए कि मेरे को अगली पोस्टिंग यहाँ पर चाहिए और आपको वो चॉइस पोस्टिंग के रूप में मिल जाती है, उससे क्या होता है अपने घर परिवार के पास में ज़्यादा समय रह सकते हो। इसके अलावा इसमें 5 से 7 साल आप ड्यूटी कर सकते हो,
उसके बाद क्या होता, उसके बाद में आप वापस सीआरपीएफ में आ जाते हो दोस्तों, मतलब वापस आप सीआरपीएफ के सदस्य बन जाते हो कोबरा कमांडो से स्पेशल फोर्स से हट के, फिर वापस आप सीआरपीएफ में आ जाते हो, फिर आपके वही वेतन भत्ते जो सीआरपीएफ मिलते हैं वही मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब कोबरा कमांडो में रहते हो तब वेतन भत्ते और क्या क्या सुविधा है दोस्तों, आप सभी को पता, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बताऊँ दोस्तों, तो सीआरपीएफ का अभी प्रेजेंट टाइम में कोबरा कमांडो का जो रिस्क अलाउंस है, मतलब उनका जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है वो 17,300, उसके अलावा उनको 1900 रुपये यानी 2000 के समथिंग टीए मिलता है, टोटल हो गया 19,300 के समथिंग। मतलब अभी जो कोबरा कमांडो बनता है, चाहे वो 17 का भर्ती हो, चाहे 13 का भर्ती हो, चाहे 21 का भर्ती हो, यानी कभी भी भर्ती हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसको अपनी बेसिक पे डीए एचआरए जितने भी पेमेंट मिलती है उसके अलावा एक्स्ट्रा रुपये कितने रुपये मिलते हैं, समथिंग 20,000 के समथिंग अभी प्रेजेंट टाइम में कोबरा कमांडो को अलग से पेमेंट मिलती है। यानी अगर आप बेसिक पे 21,700 से लगते हो, आपको डीए भी मिला के 27,000 के समथिंग जाते हैं, उसमें आप 20,000 और ऐड कर लीजिए तो आपकी पेमेंट लगते ही 47,000, यानी कम से कम एक सिपाही की, एक कॉन्स्टेबल के रूप में अगर आप कोबरा कमांडो में काम करते हो तो आपकी मंथली जो सैलरी होती है वो समथिंग 50,000 के राउंड होती है, मतलब 50,000 के आसपास की सैलरी होती है दोस्तों। इसमें आपको फैमिली क्वार्टर भी मिलती है, फैमिली रखने की भी सुविधाएं मिलती है कोबरा में, कई जगह फैमिली क्वार्टर की व्यवस्था है, साथ में सीपीसी कैंटीन सुविधाएं मिलती है आप सभी को, और ज़्यादातर जो बच्चों कईयों को ऐसे भी क्वेश्चन रहते हैं कि वो मिलती है नहीं है पवाओ जो फौज में अक्सर मिल जाती है वो मिलती है नहीं मिलती है, तो कुछ इलाकों में वो भी मिलती है, इसमें इशू होती है कैंटीनों से, और कैंटीन की पूरी सुविधा भी कोबरा कमांडोज को मिलती है दोस्तों, आपको फैमिली रखने की सुविधाएँ मिलती है। इसके अलावा जो कोबरा कमांडो रहते हैं, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सीआरपीएफ के हर बार 26 जनवरी या 15 अगस्त हर बार सीआरपीएफ ने पीएमजी पीपीएमजी यानी पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री या शौर्य चक्र, इस प्रकार के जितने भी पदक विजेता होते हैं उनमें से कोबरा कमांडो को बहुत सारे नाम होते हैं। क्यों? क्योंकि कोबरा कमांडो अक्सर ऑफ ड्यूटी करती है नक्सलियों के खिलाफ, तो इनकाउंटर में उनको काफ़ी मतलब सफलताएं मिली है और मिलती जा रही है, दिन ब दिन उनकी सफलताएं बढ़ती जा रही है, तो उनको इस प्रकार के प्राउड रिवार्ड भी मिलते हैं। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पीएमजी मिलना पीपीएमजी मिलना, ये आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, लेकिन ये बहुत ही बड़े मेडल है। इसके साथ में कईयों को शौर्य चक्र मिला है, कीर्ति चक्र भी मिला है कोबरा कमांडो को, तो आपको एक ये भी है कि आपको ऑपरेशन ड्यूटी करने का मौका मिलता है, साथ में आपको इस प्रकार के रिवार्ड भी मिलते हैं अगर आप अच्छा काम करते हो जंगल में नक्सलियों के खिलाफ, तो इस प्रकार के प्राउड भी आपको मिलते हैं। उसके बाद में आपकी सर्विस वहाँ से, जैसे अगर मान लो आप 2 साल बाद में कोबरा में जाते हो और 5 से 7 साल सर्विस करते हो, तो 9 साल के बाद में अगर आप वापस सीआरपीएफ में आते हो, तो उसके बाद में अगर आपकी स्वेच्छा है तो आप एनएसजी में भी जा सकते हो, आप एसपीजी में भी जा सकते हो, आप आरएएफ में भी जा सकते हो, आप एनडीआरएफ में भी जा सकते हो। ये नहीं है कि आप कोबरा कमांडो बनने के बाद में फिर आपको आगे की सर्विस पूरी सीआरपीएफ में करना पड़ेगा, इस प्रकार की कोई भी प्रावधान नहीं है, आप बिल्कुल इन फोर्सेस में भी जा सकते हो, मतलब अटैचमेंट ड्यूटी जा सकते हो, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा अवसर है। कोबरा कमांडो की जो सबसे खास बात होती है, आप सभी को पता होगा कि जंगल में जंगल वॉरियर के नाम से इनको ज़्यादातर जाना जाता है, और ये भारत के नहीं विश्व के सबसे खास फोर्स यानी सबसे एक नंबर पे मानी जाती है भारत के, तो जिनको जंगल में लोहा लेने के लिए सबसे विशेष फोर्स मानी जाती है, और कमांडोज में जंगल में लड़ाई करने के लिए नंबर एक पर है हमारे देश में, अभी देश में क्या एशिया में भी नंबर एक पर है कोबरा कमांडो, क्योंकि कोबरा कमांडो ने जितनी सफलताएँ प्राप्त की है जंगल में नक्सलियों के खिलाफ, शायद किसी और विशेष फोर्स ने इतनी सफलताएं अभी प्राप्त नहीं की है दोस्तों। तो अगर आपका भी सपना है कोबरा कमांडो बनने का, तो आपको सबसे पहले SSGD के थ्रू CIRPF में ज्वाइन होना पड़ेगा। जय हिंद।